الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم وعزیزان مكرم اور لائق صد اکرام اور احترام میری ماں اور بہن، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. قرآن کریم نے اسی کا حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. جیسے بارہا بتلایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت اور راحت کا پیغام رکھتی، اس لیے اس امت کے افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور ہر ادا کو محفوظ کیا ہے. جس کو آپ نے اندازہ لگا لیا، کھانے پینے کی باتیں جب معلوم بھی کہ کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، سونے سے پہلے آپ کے اعمال کیا ہوتے، کون سا بستر پسند فرماتے، آپ کا تکیہ کیسا ہوتا، کس کروٹ پر آپ سوتے تھے، سونے سے پہلے کے اوراد اور وظائف، سونے سے پہلے کی دعائیں، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ہم تفصیلی طور پر پیش کریں گے. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا تذکرہ کریں.
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो नमाज की तरह वुजू फरमाते, जैसे नमाज के लिए वुजू फरमाते थे इसी तरह रात को सोने के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ लाते तो मिसवाक फरमाते और कंघी फरमाते थे। आपके जुल्फा बाल थे, गेसू थे आपके, तो कहीं बाल के अंदर इंतशार ना हो जाए, पूछ ना पड़ जाए, सादी जबान में कह दो, तो इसलिए उसको कंघी फरमा लेते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रात को सोने से पहले भी जब आप वुजू फरमाते तो आप मिसवाक भी फरमाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसवाक सिर्फ इतनी देर रुका रहता जितनी देर आपकी आंख लगती थी और आप सोते थे, नींद में होते थे, वरना मिसवाक पर आपको दवाम था, हमेश की थी। एक एक अमल से के शुरू से पहले आप मिसवाक फरमाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजू सोने का हुक्म दिया है। हजरत बरा इब्न आसिब रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नमाज की तरह वुजू करो, फिर दाहनी करवट पर लेट जाओ, दाहनी साइड के ऊपर लेट जाओ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा बावजू आराम करने की और आराम फरमाने की थी, और आपने बावजू आराम करने को फरमाया भी है। इसी वजह से उलमा ने बावजू सोना सुन्नत तहरीर किया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाही अलैह ने लिखा है कि बावजू सोना सुन्नत है। अगर पहले से बावजू है यानी ईशा की नमाज पढ़ी, इस्तिंजा वगैरह करने की जरूरत नहीं आई है, तो वही वुजू जो ईशा वाला है वही अब चल जाएगा, बाकी है तो ये वुजू काफी है, अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वुजू की हालत में रात गुजारे, तहारत और पाकी की हालत में रात गुजारे, फिर उसी रात में इंतकाल अगर हो जाता है तो वो शहीद शुमार होगा, यानी सवाब शहादत का सवाब पाएगा वो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को वुजू करके सोने पर बड़ी फजीलतें बयान फरमाई है। हजरत इमरान इब्न उयैना रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स तहारत की हालत में सोए, तहारत की हालत में रात गुजारता है, बाकी की हालत में रात गुजारता यानी वुजू के साथ, तो उसके बिस्तर पर एक फरिश्ता हो जाता है उसके साथ। जब ये शख्स करवट लेता है तो फरिश्ता कहता है ए अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, इसने बावजू रात गुजारी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने पाकी की हालत में रात बसर की उसके बिस्तर पर एक फरिश्ता रात गुजारता है, जब ये उठता है तो फरिश्ता कहता है ए अल्लाह इसकी मग़फ़रत फरमा, यानी वुजू की हालत में सोने से फरिश्ता उसकी मग़फ़रत की दुआएं करता है,
जब जब आदमी करवट बदलता है या उठता है उस वक्त का फरिश्ता वहाँ होता है, फरिश्ता वहीं पर होता और उसकी मगफिरत की दुआएं करता है। हजरत उमर इब्ने हरीस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू के साथ सोने वाला रोजेदार की तरह है, बल्कि रोजेदार जिस तरीके से रात जिंदा गुजारता है ये भी रात जिंदा गुजारने वाला शुमार होगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू मिराया के हवाले से नकल किया है कि जो शख्स बाकी की हालत में बिस्तर पर आता है और जिक्र करता हुआ सो जाता है तो उसका बिस्तर मस्जिद बन जाता है। तो या जो वुजू करके सोता है, वुजू की हालत में सोया तो उसका बिस्तर उसके लिए मस्जिद बन जाता है और वह नमाज और जिक्र की हालत में शुमार होता रहता है यहाँ तक के बेदार हो जाए। फतहुल बारी के हवाले से ये बात नकल की गई है। कितनी बड़ी बात है कि वुजू की हालत में सोने से उसका पूरा बिस्तर मस्जिद में शुमार होता है। अब ये तो सोया हुआ है लेकिन रात में वह नमाज पढ़ने वाला, जिक्र करने वाला, अल्लाह की याद करने वाला शुमार होता रहता है। जब तक के ये गोया सोता रहता है, बेदार न हो जाए, तब तक उसकी ये हालत लिखती जाती है। ये है वुजू करके सोने का फायदा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि बिला वुजू मत सो, बगैर वुजू के मत सो। रूहों का उठना इसी हालत में होगा, रूह का उठना इसी हालत में होगा जिस हालत में उसे कब्ज किया जाए, उसी हालत में रूह कब्ज की जाएगी जिस हालत के अंदर उसने रात गुजारी है या सोया है। हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुराद हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तहारत और पाकी और वुजू की हालत में रात गुजारे ताकि अगर मौत हो जाए तो ये कमाल हैयत के ऊपर इसको मौत आए। इससे मालूम हुआ कि बावजू सोने से इंतकाल अगर हो गया वुजू की हालत के अंदर तो फिर ये रूह बावजू रहेगी। आदमी रात को सोया, वुजू करके सोया, इसके इस इख्तियार में जितना था उतना उसने कर लिया। अब ये कि अगर रात के नींद के आलम में वुजू टूट भी गया, खारिज भी हो गई उसकी, तब भी ये तो वुजू की हालत ही में शुमार होगा और अगर इस हालत में रूह कब्ज कर ली जाती है तो शुमार किया जाएगा कि वुजू की हालत में मरने वाला हुआ, वुजू की हालत में शुमार किया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रूहें नींद के आलम में आलम बाला की तरफ ऊपर वाले आलम की तरफ जब जाती है तो बावजू होती है तो अर्श के सामने सजदा रेज हो जाती है, अर्श के सामने सजदा रेज हो जाती है। कितना बड़ा मौका है कि ये रात को जब इंसान सोता है तो उसकी रूह तो अलग हो जाती है जिस्म से, ऊपर वाले आलम की तरफ जाती है, अल्लाह के अर्श के सामने जाकर ये रूह सजदा रेज हो जाती है जब वुजू की हालत में सोता है इंसान। हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू की हालत में सोने के फवाइद तहरीर फरमाए हैं कि इंसान के साथ शैतान खेलते नहीं है अगर वो वुजू के साथ सोया तो, यानी उसको परेशान नहीं करते और उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। बावजू सोने से शयातीन और जिन्नात के हमले नहीं होते, उनसे हिफाजत होती है। वुजू की हालत में सोने से क्या होता है, जिन्नात और शयातीन के अटैक और हमले नहीं होते, आसेब और इसी तरीके से परेशान कुन ख्वाब जो है उससे हिफाजत का जरिया है। खुसूसन जो लोग नींद में डरते हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज ये है वो वुजू करके सोए, वुजू हिफाजत का जरिया है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो मिसवाक जरूर फरमाते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आम आदत मुबारक रात को सोने के वक्त भी वुजू करने की थी, और अगर रात को उठते थे आप इस्तिंजा वगैरह के लिए तब भी आप वुजू पर मिसवाक फरमा लेते, और सुबह में जब आप उठते थे तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक फरमाते थे। मिसवाक की बड़ी आदत थी, मिसवाक आपके पास ही रहता था बिस्तर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकिए और सरहाने, तकिए के पास सरहाने मिसवाक रहा करता था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आम आदत मुबारका सोने से पहले की। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का इरादा फरमाते तो दरवाजा बंद फरमा देते, मशकीजे का मुंह बांध देते थे, प्याला और बर्तन होता तो उसे पलट देते और चिराग को कुल कर देते थे। चिराग यानी ये दिया जो जलता है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कर देते थे। आगे उसकी हिकमत भी पता चलेगी कि कहीं चूहा वगैरह आ गया, अब वो तेल से जल रहा है तो तेल खाने के चक्कर में कहीं चूहा चिराग को उल्टा कर देगा और आग लग जाएगी। बहुत से ऐसे झोपड़े कि जहाँ पर रातों में वो चिराग जलता है, आग लग गई, यही के चूहा वगैरह ने फेंक दिया या हवा के जरिए से वो चिराग पलट गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त चिराग को कुल कर देते थे। सोने से पहले के चंद काम जिसको अंजाम दिया जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, से मरवी है, वो फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दो, दरवाजा बंद कर दो, मशकीजे का मुंह बांध दो और खाना पीना छोड़ दो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सोते वक्त दरवाजा बंद कर दो, मशकीजे का मुंह बांध दो, पानी का बर्तन उसे ढांक दो, बर्तन ऊंधा कर दो, बर्तन सीधे होने की हालत में मत रखो बल्कि बर्तन को उल्टे कर दिया करो या बर्तनों पर ढक्कन रख दिया करो और चिराग को कुल कर दिया करो, क्योंकि शैतान न तो बंद दरवाजे खोलता है, न बंधन यानी बांध दिया हो तो उसको ढीला कर देता है, न बर्तन के ढक्कन को उठाता है। अलबत्ता चूहा कभी कभी घर जला देता है यानी तेल की बत्ती को लेकर भागता है और फिर आग पकड़ लेती है और घर जल जाता है। सोने से पहले पानी और खाने के बर्तन खुले न छोड़े जाएं, उससे शयातीनी तसर्रुफात और शैतानी असरात के अलावा हशरातुल अर कीड़े मकोड़े जहरीले कीड़े वगैरह उससे पकली वगैरह उससे हिफाजत रहती है। चूहे अक्सर खाने को नुकसान पहुंचाते हैं, इन तमाम कामों में सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और सेहत भी बाकी रहेगी और उसूलों की हिफाजत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कहा उस पर अमल करने का सवाब मिलेगा और हमारी सेहत की हिफाजत हो जाएगी और कितनी बीमारी और परेशानियों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। हजरत वहशी इब्न हर्ब रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जरूरत यानी इस्तिंजा वगैरह के लिए निकले और घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, इस एतबार से कि वापस अभी तो आना है, छोड़ दिया। जब आप वापस तशरीफ लाए तो इबलीस को घर के बीच में खड़ा देखा, शैतान को बीच घर में खड़ा देखा। आपने फरमाया कि खबीस हमारे घर से जलील होकर निकल। फिर आपने फरमाया जब तुम घर या कमरे से रात को निकलो तो दरवाजा बंद कर लिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में से या कमरे में से निकलो तो रात को दरवाजा बंद कर लिया कर लो। देखा आपने कि शैतान खबीस ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर अक्दस को भी न छोड़ा,
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिफाजत थी, इसलिए वो शैतान आपको कोई जरर और नुकसान नहीं पहुंचा सका। दरवाजा बंद रहने से जिन्नात और शयातीन के अलावा शरीर इंसानों से भी हिफाजत रहती है। दरवाजा खुला हुआ देखकर मौका हाथ लग सकता है लोगों के, और वो हिम्मत हो सकती है जो बंद होने में नहीं हो सकती, इसलिए दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। आधी रात को भी अगर घर से कोई काम के लिए दरवाजे ही बाहर निकले तब भी दरवाजा बंद कर दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले हर आंख में इस्मिद, ये एक सुरमे का नाम है, अभी भी मक्का वगैरह में मिल जाता है, हमारे यहाँ भी मिलता है, हिंदुस्तान में मिल जाता है सब जगह, तो ये बहुत ठंडा सुरमा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस्तेमाल फरमाते थे, तीन तीन सलाई दोनों आंखों में डालते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और एक रिवायत कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमेदानी थी, उससे आप सोते वक्त दोनों आंखों के अंदर सुरमा लगाया करते थे। हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुरमा लगाने के मुतालिक जब हजरत अनस से पूछा तो उन्होंने कहा कि दाएं बाएं दोनों में दो दो सलाई लगाते, फिर एक सलाई लेकर दोनों के अंदर फेर देते थे, ये तरीका है। इब्ने कय्यिम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है कि दाएं में तीन और बाएं में दो सलाई, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दाही आंख में तीन और बाई आंख में दो, तो गोया ये एक एक ही आदत हो गया, या तो फिर एक के तीन और दो दो और दोनों में एक एक, या तो दोनों में तीन तीन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले अपने बिस्तर को साफ करने और झाड़ने की ताकीद फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है अबू दाऊद शरीफ में, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए तो उसे अपने इजार और तहबन के अंदरूनी हिस्से से उसे झाड़ लेना चाहिए, नहीं मालूम उसे के इसमें क्या है, अपने तहबन वगैरह के अंदरूनी हिस्से से झाड़ ले, या तो वैसे ही कोई कपड़े वगैरह से झाड़ ले, बिस्तर को बसा औकात कीड़े मकोड़े रह जाते हैं, कहीं भाई से तकलीफ न हो जाए, इसलिए इससे मातकदम के तौर पर सोने से पहले हिफाजत हो जाए ये सब बिस्तर वगैरह। देखिए कितनी बारीक बारीक बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अदबुल मुफरद में बाब कायम करते हुए लिखा है कि बिस्तर से उठकर दोबारा आए तो फिर उसे बिस्तर झाड़ ले, और ये हदीस पेश की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अपने बिस्तर पर आए तो उसे चाहिए, आका ने फरमाया कि जब कोई अपने बिस्तर पर आए तो चाहिए कि अपने लुंगी के अंदरूनी पल्ले से उसे झाड़ ले और बिस्मिल्लाह कहे, न मालूम उसके बाद न मालूम कि वो अपने बाद क्या छोड़ गया, यानी जब सोया है तो उस वक्त कोई चीज आ गई, फिर गया है और फिर वापस आया है तो वापस उसको साफ कर ले, हो सकता है कि कोई चीज कीड़े मकोड़े की आ गई हो, कोई पहले से उसके कपड़े वगैरह में हो और वो चीज आ गई हो, तो ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आने के बाद खूब औराद वसाइफ पढ़ते थे। मेरी और आपकी अकल हैरान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कुरान करीम की आयत उसका तज़किर आ रहा है कि क्या क्या पढ़ते थे, कितने पारे के करीब करीब, दो चार पारे क्या उससे ज्यादा पढ़ लिया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप हैरान रह जाएगी अकल, और दुआएं कितनी पढ़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक एक दुआ अंदाजा तो लगाए कि कैसे कैसे हिफाजत के लिए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं पढ़ी, हालांकि आप तो मासूम है, हक तबारक ताला की हिफाजत आपके शामिल हाल है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाने वाले। लेकिन मेरे भाइयों, दुआओं का इतना एहतमाम, और सिर्फ सोने से पहले नहीं, जैसे खाने से पहले की दुआएं देखी, सफर में आप दुआओं को देखो, अल्लाहु अकबर, आदमी सोने से पहले की दुआएं, सफर से पहले की भी दुआएं पढ़ ले और जरा उस पर गौर करे तो किसी चीज को नहीं छोड़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, किसी चीज को नहीं छोड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मेरे और आपके दिमाग में अपने फायदे की जितनी बातें आ सकती हो उससे कहीं ज्यादा फवाइद को आका ने सामने मद्देनजर रखा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दुआएं पढ़े। हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल देखते देखते सो जाते हैं, और फिर डरते हैं, चमकते हैं, और बुरे गंदे गंदे ख्वाब आते हैं, और नींद नहीं आती, बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है, और पूरे दिन में कैसे हालात से हम गुजरते हैं। हम इन दुआओं का एहतमाम करें, जिसको कोई दुआ फायदे से खाली नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से लिखा है कि भाई एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यगुर्रु मअस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। ये हदीस शरीफ से पता चलता है कि सुबह और शाम तीन तीन मर्तबा इस दुआ को कोई पढ़ ले, इंशाल्लाह कोई चीज उसको ज़रर नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेहतरीन वजीफा, बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन दुआ है, बहुत छोटी और बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। ये दुआ पढ़ने के लिए कहा गया। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक दिन बिच्छू ने काट लिया, इसलिए कि दुआ पढ़ना भूल गए थे। जब तक ये दुआ पढ़ते रहते कोई चीज का नुकसान नहीं पहुंचाती। एक साहब को देखा, एक उस्ताद ने, एक उस्ताद सबक पढ़ा रहे थे, अपने हाथ में बिच्छू रेंगता हुआ जब आया तो ले लिया और वो खेलने उसको देखने लगे। उनके शागिर्द जो सबक याद कर रहे थे वो उस बिच्छू को देखने लगे। उस्ताद ने कहा, तू पढ़, तेरा काम कर, तू क्या देखता है। कहा कि मैंने भी कसम खा ली, जब तक के इस जहर का उतार, बिच्छू के काट की जहर का असर उतार आपसे नहीं सीख लूंगा, तब तक मैं आगे सबक नहीं पढ़ने का। तो हजरत ने फरमाया, खुदा के बंदे, तेरे पास तो मौजूद है, और वो ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुव समीउल अलीम। ये पढ़ लो, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, पढ़ने के बाद वैसा यकीन भी होना चाहिए, वरना मेरे जैसा हाल हो, जैसे एक मौल साहब ने बयान किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बहुत ताकत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हर काम उससे बन जाते हैं, उससे हर काम हो जाया करते हैं। बयान सुनने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, हत्ता के कहा, तूफान के अंदर फंसे हुए हो और कश्ती चल रही हो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तुम्हारा तूफान जो है वो थम जाएगा। और अगर फरमाया कि बिस्मिल्लाह के अंदर ये है वो है, सब कुछ कर लिया, ये बिस्मिल्लाह से हर काम बन जाएंगे, जिस चीज का आप इरादा करोगे। मौल साहब ने तो बयान किया, और बयान करने के बाद ये भी भूल गए कि बिस्मिल्लाह के फजाइल ऐसे ऐसे बयान किए हैं। एक दूध वाला था, वो नदी के इस किनारे से उस किनारे पर दूध बेचने जाता, रोजाना बेचारा कश्ती करता, कश्ती का इंतजार करना पड़ता, कश्ती के पैसे जाते थे। बयान सुनने के बाद उसका यकीन पक्का हो गया, वो तो नदी के पानी पर रुमाल बिछाता और बिस्मिल्लाह पढ़ता था, वो कश्ती की तरह रुमाल चल जाता और वो उधर उतर जाता था। अब मौलवी साहब तो भूल गए थे, एक दिन मौलवी साहब भी नदी के किनारे खड़े, वो आया दूध वाला, उसने पहचान लिया कि ये तो वही बयान वाले मौलाना है। क्या मौलाना किस चीज का इंतजार है? अब
भाई कश्ती का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह के बंदे, उस दिन आपने तो बयान किया था, बयान में आपने ये भी तो कहा था कि पानी के ऊपर रुमाल बिछा कर बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, उधर पार लग जाओगे, बिस्मिल्लाह में ये ताकत है। मैंने तो अमल शुरू कर दिया, मैंने तो उस दिन से अमल शुरू कर दिया, मेरे पैसे बच गए, चलो तुम भी आ जाओ। वो तो रुमाल बिछाया बैठ गया, मौलवी साहब के लिए भी रुमाल डाल दिया और मौलवी साहब का भी आपका कहना। मौलवी साहब तो पूरे रास्ते चिल्लाते रहे, चीखते रहे, वो डूब जाऊंगा, वो मर जाऊंगा, वो छोड़ दे, लेकिन वो तो मौलवी साहब को लेकर चला गया। दिए के बाद मर्तबा सुनने वालों का यकीन बड़ा मजबूत होता है कि देखो इससे ये फायदा होता है। तो दुआएं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वैसे ही नहीं है, दुआओं के अंदर अल्लाह ताला ने जान रखी है, दुआओं के अंदर जान रखी है। तो जो सुने उसको यकीन के साथ। हमारे रिश्ते की एक बच्ची एक मर्तबा मदरसा से आई तो बहुत हंस रही थी, हंसते हंसते आई, भाई क्या हुआ? कहा कि आज सबक बराबर याद नहीं था और उस्ताद भी जलाल में थे, पिटाई करेंगे और पिटाई शुरू भी हो चुकी थी। हमने वो आयते पाक पढ़ ली कि जिसके ऊपर मुखालिफ की नजर न पड़े, पढ़ने वाले पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जब हिजरत के वक्त अपने मकान में से निकल कर गए थे तो आयत पढ़ ली थी, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ। ये पढ़ते हुए निकल जाए दुश्मनों के बीच में से, इंशाल्लाह दुश्मन नहीं देख पाएंगे। वो बच्ची कहती मैंने भी पढ़ ली और हल्के हल्के फूंक भी लगाती रही और उस्ताद ने मुझे कुछ पूछा ही नहीं और वक्त पूरा हो गया। तो उसका यकीन कैसा था कि देखो ये पढ़ने से ऐसा फायदा होगा। तो यकीन होना चाहिए, वरना यकीन नहीं होगा तो गोया कोई फायदा नहीं। यकीन भी होना चाहिए कि मेरे आका की बतलाई भी दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल के अंदर एक बाब वाकया लिखा है बाबू अयाज का, और हमारे हजरत मुफ्ती मुज्तबा साहब दामत बरकातुहुम ने छोटा सा रिसाला लिखा दुआ के ऊपर, मांगता जा लेता जा, गुजराती उर्दू सब में छप चुका है। उसमें दुआ भी लिखी, दुआ की फजीलत भी लिखी, दुआ का हवाला भी तहरीर फरमाया और साथ साथ तजरबे भी बयान फरमाए कि ये दुआ पढ़ी तो क्या फायदा हुआ। उन्होंने भी इस वाकये को नकल किया है और अभी हफ्ता 10 दिन पहले वर्कशॉप के ऊपर भी ये वाकया बहुत घूमता रहा, उन्होंने भी हजरत शेख का हवाला दिया है। हजरत शेख ने कहीं अपनी मजलिस में या अपनी किताब में दुआ लिखी, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, दुश्मनों के फितने से महफूज रहना है तो इसको पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला मुखालिफिन की गुजन से और तकलीफों से और दुश्मनों की शरारत से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। बड़ा मुजर्रब अमल है ये। अब ये है कि निजामुद्दीन दिल्ली से एक जमाने में बहुत दूर शुमार होता था, अब आबादी बढ़ गई तो अब दिल्ली के अंदर ही लगता, वरना पहले बाहर। अब निजामुद्दीन मरकज से रहने वालों के लिए खाना पानी अनाज वगैरह लाना होता तो दिल्ली आना पड़ता था, फसादात की वजह से आना मुश्किल दिल्ली के अंदर। लेकिन ये बाबू अयाज जो थे सबसे पूछते, मैं जा रहा हूं किसी का कुछ लाना है, और सब पैसे देते और मंगवाते और ये चीजें लेकर आ जाते, सही सलामत आते थे। हालांकि हर तरफ काटो मारो की आवाजें थी, सब डर रहे थे बाहर निकलने से और ये इत्मीनान से जा रहे थे। इनको एक मर्तबा हजरत शेख ने पूछ लिया कि तुमको डर नहीं लगता? डर तो हमें भी लगे, लेकिन आपने एक दुआ बतलाई है, वो दुआ पढ़ता हुआ जाता हूं और दुआ पढ़ता हुआ आ जाता हूं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। उन्होंने अपना वाकया भी सुनाया, दुआ कौन सी? तो यही, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। गमे दिल्ली से एक मर्तबा निजामुद्दीन आने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ गया, 3 गैर मुस्लिम भी बैठे,
कहा मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जब दिल्ली को छोड़ दिया गाड़ी ने और सुनसान रास्ते आए, वो कहने लगा कि मियां तेरे में हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे साथ बैठ गया। आपस में इशारे करने लगे कि इसको निमटा दो, इसको मारो, और मुंह पर भी कहने लगे हम तुझे मारेंगे, हम तुझे मार डालेंगे। और हजरत ये कहते रहे बाबू आया कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास एक चीज ऐसी है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। का क्या चीज है बता, काय को बताओ नहीं बतलाऊंगा। पूरे रास्ते ये पढ़ते रहे, उनसे बातें भी होती रही, ये पढ़ते रहे। वो लोगों ने पक्का इरादा कर लिया कि नीचे फेंक देवे, मार डाले, लेकिन कुछ नहीं कर सके। आखिरकार निजामुद्दीन आ गया, उन्होंने कहा उतरते हो कब तो बतला दे कि वो चीज किया है। कहा काय को तुमको वो बतलाओ वो चीज किया है, आकर बतलाया अदर शेख को। अदर शेख भी हंसने लगे, कहा सुनने वाले का तो यकीन और हमारा देखो, लिखने वाले और बयान करने वालों का इतना यकीन नहीं। तो गोया ये दुआ है, तो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसुध और बेफायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने उसमें बड़े फवाइद लिखे, बड़े फवाइद बयान फरमाए हैं, लिहाजा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। मेरे एक दोस्त है नानपुरा के अंदर, एक मर्तबा फरमाने लगे कि हादसात से बचने की दुआ, कहा के घर वाले और हम रोजाना पाबंदी से पढ़ते थे, एक दिन पढ़ना भूल गए। हाल ये हुआ कि उस दिन करंट लग गया और करंट भी इतना जबरदस्त कि हाथ पकड़ा हुआ है वायर के साथ वो चिपका हुआ है, करंट वहां लग रहा है, लेकिन कमर काली होना शुरू हो गई और पूरा बदन चिपक गया। उनके शौहर कहते हैं उन्होंने किसी तरीके आवाज निकाली, मैं बचाने के लिए दौड़ा, मैंने पकड़ा तो मैं भी पकड़ा गया, लेकिन मैंने बहुत सख्ती की तो मुंह से लफ्ज अल्लाह निकला, अल्लाह करके ऐसा निकलना था। कहा हमने दुआ पढ़ी थी, उसकी बरकत ये भी कि अल्लाह मुंह से निकला, बस दोनों के हाथ छूट गए और दूर उड़ कर पड़ गए, गिर गए, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। तो ये है का एक ने पड़ी थी तो उसकी बरकत से अल्लाह मुंह पर आ गया और अल्लाह के नाम की बरकत से करंट से छुटकारा मिल गया। तो ये है हादसात से बचने की दुआ। हजरत तलक वाला वाकया, हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला का वाकया, किसी ने कहा कि घर के अंदर आग लग गई है, दौड़ो जल्दी। वो इत्मीनान से, एक साहब नमाज में है और नमाज में लोग चिल्ला रहे तुम्हारे घर में आग लगी, और ये सुनते नहीं सुनते पता नहीं, लेकिन इत्मीनान से नमाज पढ़ते, सलाम फिराने के बाद का क्या शोर है, कहा कि तुम शोर ये तुम्हारे घर में आग लगी है। कहा कुछ नहीं होगा, जाओ मेरे घर को कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा। कहा क्यों, कहा मैंने हादसात से बचने की दुआ पढ़ ली है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैक तवक्कलत व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अज़ीम आलम अन अल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन अल्लाहा क़द हाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हादसात से बचने की ये दुआ हमें तालीम फरमाई है, ये पढ़ लिया करो। ऐसे ही फरमाया करते थे कि एक दुआ है, अगर मैं न पढ़ता तो ये यहूदी मुझे जादू के जोर पर गधा बना देते। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि आला नफ्सी व अहली, बिस्मिल्लाहि वलदी, बिस्मिल्लाहि आला मा आतानी रब्बी, अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिशैयन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वासु वजल वअज़म मा खाफु वअहज़र, ये इलाखरी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़े। ये सारी दुआ मसनून दुआओं की किताबों के अंदर आपको मिलेगी, आप वहां पर ये दुआएं पढ़ें। या इसी तरीके से ये मांगता जा लेता जा, ये दुआ ये किताब भी बसाओ, दुआउल मसनून हजरत मौलाना इरशाद साहब गुरेनी उनकी ये किताब है दुआउल मसनून, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, हमारे हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब रहमतुल्लाह बरकातुहुम की भी, जो किताब है दुआ के, दुआ ऐसे मांगे, दुआ कैसे मांगे, और दुआ के अंदर और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दुआ की किताबें बहुत कुछ है,
उसके अंदर ये सब दुआएं लिखी हुई है। इन दुआओं को याद करने का एहतमाम करो, अपने घरवालों को भी दुआएं याद करा दो। देखो एक अमल और एक दुआ कितनी छोटी, लेकिन उसका फायदा कितना। उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बीबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे पहले ये आप अबू सलमा के निकाह में थी, बहुत खूबसूरत भी है ये अबू सलमा और बहुत अच्छे भी है। ये भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू सलमा का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा कहती है कि मुझे एक दुआ याद आई जो एक मर्तबा इन्होंने आकर कहा था कि आज मजलिस के अंदर एक दुआ सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी की कोई महबूब चीज खो जाए, फौत हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए तो वो ये पढ़ लिया करे, अल्लाह उसका नयामुल बदल या तो वही चीज मिला देंगे या तो उससे अच्छी चीज कोई मिल जाएगी। और वो दुआ ये थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها। ये दुआ पढ़ने के लिए बतलाया, जब कोई चीज फौत हो जाए, गुम हो जाए, छूट जाए तो ये पढ़ ले, या तो अल्लाह वही चीज मिला देंगे या उससे अच्छी कोई चीज उसके बदले में अल्लाह अता फरमाएंगे। मैं सलमा कहती है, मैं सोचने लगी ये दुआ पढ़कर मेरा क्या फायदा, मैं अबू सलमा जिंदा होकर तो आने के नहीं, और उनसे अच्छा कोई शोहर हो सकता है, उनसे अच्छे कोई अखलाक और आदतों वाला कोई हो सकता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बतलाई भी दुआ है, पढ़ तो लो, फायदा होगा इसमें। मैंने आका की बतलाई भी दुआ समझकर पढ़ ली ये दुआ। कहते हैं कि चंद दिन नहीं गुजरे थे कि मेरे लिए निकाह का पैगाम आया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से, तब मुझे समझ में आया कि देखो अल्लाह ने अबू सलमा का नयामुल बदल नसीब फरमाया, कितनी कीमती चीज, यानी अल्लाह के नबी से कौन अच्छा हो सकता है, सबसे अच्छे अखलाक वाले, सबसे अच्छी आदतों वाले। तो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं का एहतमाम करने का फायदा, बहुत फायदे होते हैं। जितनी भी दुआएं हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, अजीब तरीके से हिफाजत हो जाती है, अजीब तरीके से मददें हो जाती है। दुआएं पढ़ के घरों से निकलना है, सही सलामत लौटोगे, और जब घर आओगे सही सलामत आओगे, घर में दाखिल हो तो अलग दुआएं हैं, कितनी सारी दुआएं हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ दुआएं पढ़ी है, अपनी इस उम्मत के ऊपर कितना रहम फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मासूम थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं का इतना एहतमाम फरमाते। खैर, सोने के ऊपर जब बिस्तर पर जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या दुआएं पढ़ते थे, उसका तस्कर आ गया, इसे इंशाअल्लाह आइंदा कल देख लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ फरमाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما هو أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك وجهنم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله جزى الله عنا نبينا